अच्छा क्या कहिएगा कि फिर से उपचुनाव हुआ, उसके बाद आप नतीजे देखे होंगे। मोदी का मोय मोय हो गया, भाजपा अपने से सफाया हो रहा है, भाजपा का खात्मा हो रहा है। अब मोदी सही नहीं है देश के। 10 सीट इंडिया गठबंधन जीता है और एनडीए मात्र 2। अरे आपको अर्थी देने लायक भी लोग नहीं मिल पा रहा है। मोदी तानाशाह हो गया है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के प्रति लोगों का विश्वास जगा है। इस तरह का अगर रवैया रहा तो बीजेपी का नाम खत्म भी हो सकता है। जैसे डायनासोर की प्रजाति इस देश से विलुप्त हुई है, वैसे ही भाजपा भी विलुप्त हो जाएगी। लोकसभा चुनाव के दौरान अयोध्या से भाजपा हारी थी और इस बार जो उपचुनाव हो रहा था विधानसभा का, वहाँ बद्रीनाथ से हारी है। तो लगातार भाजपा हारते जा रही है। नमस्कार, मैं फरद दत्त और आप देख रहे उल्टा चश्मा यूजी। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद देश का पहला उपचुनाव हुआ जिसमें बता दें आपको बीजेपी जोड़ों शोरों से हारी है। 7 जुलाई का इसका नतीजा आया, जिसको बता दें आपको इंडिया के साथ जो है एनडीए की जो आमना सामने हुई थी, जिसमें एनडीए बुरी तरीके से हारी है। आखिर लोगों का इसमें क्या बातचीत है, लोगों से हम बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है अब धीरे धीरे क्या देश से भाजपा साफ हो जाएगी? भाजपा साफ हो गई है। हो गई नहीं है अभी? बे हो गई, आप देखिए ना, धीरे धीरे लगातार भाजपा खत्म होते जा रही है। अब जैसे डायनासोर की प्रजाति इस देश से विलुप्त हुई है, वैसे ही भाजपा भी विलुप्त हो जाएगी और वो दिन दूर नहीं है। मैडम, आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के दौरान अयोध्या से भाजपा हारी थी और इस बार जो उपचुनाव हो रहा था विधानसभा का, वहाँ बद्रीनाथ से हारी है। पहले भगवान राम ने हराया था गढ़ बद्री, वही तो मैं बोल रहा हूँ। गढ़ बोलिए या किसी, या फिर कोई नेता समझता है कि उसका गुरूर है या फिर उसका बपौती है, इन सभी चीज़ों को हम लोग नहीं मानते और न संविधान मानता है। और लोकतंत्र ने दिखा दिया इस चीज़ को। अयोध्या में देखिए भाजपा हार गई जबकि राम जी का फोटो लेकर के घूम रही थी। आप देखिए बद्रीनाथ में अयोध्या हार गई, कोप्पल में हार गई थी, हनुमान जी का जो जन्मस्थल है, उसके बाद आपका चित्रकूट में हार गई थी। तो लगातार भाजपा हारते जा रही है। और हारते हारते ऐसा भी दिन आएगा कि भाजपा का जो सीट है जीरो हो जाएगा, चाहे वो लोकसभा में हो, विधानसभा में हो, या फिर एक भी MLC भी नहीं रहेगा उनके पास। क्या कारण है हार का, क्या लग रहा है जनता? क्यों जनता नाखुश है भाजपा से? बिल्कुल परेशान हो गई है भाजपाइयों से। भाजपा देखिए मैडम, ये वही भाजपा है जिसने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, लेकिन महंगाई अभी चरम सीमा पे है। बहुत हुई बेरोजगारी की मार अब की बार मोदी सरकार, लेकिन बेरोजगारी चरम सीमा पे है। बहुत हुआ युवाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, ये सारे स्लोगन्स थे ना भाजपा के। और युवाओं पर अभी भी अत्याचार हो रहा है और युवाओं को लाठियों से पीटा जा रहा है, नीट का स्कैम हो जा रहा है इस देश में। युवा इसको लेकर के आक्रोशित है और युवा जब बात करता है नीट की जाँच की तो युवाओं पर लाठियां बरसाई जाती है। अगर कोई युवा आंदोलन करता है तो उसे पीटा जाता है, पुलिस पकड़ के घंटों घंटों बैठाती है थाने में। तो ये सब व्यवहार हो रहा है देश में युवाओं के साथ। किसानों की स्थिति आप देख लीजिए, किसानों को MSP देने के लिए मोदी जी नहीं कहा था, हम लोगों ने नहीं कहा था, लेकिन क्या हुआ, जब किसान MSP मांगने गया तो किसान को पीटा जा रहा है। कॉमेडी बना के रखे हुए हैं देश को, कभी दाढ़ी बढ़ा लेंगे, कभी दाढ़ी घटा लेंगे, तो कभी बाल छोटा करा लेंगे, तो कभी बाल बड़ा करा लेंगे। क्या नाटक है, दिन में 10 बार कपड़ा बदलेंगे, कभी काला कलर का कपड़ा, कभी नारंगी कलर का कपड़ा, कभी नीला कलर का कपड़ा, कभी हरा कलर का कपड़ा। हम लोग आपको कपड़ा बदलने के लिए चुने हैं कि देश का हालात बदलने के लिए चुने हैं? कपड़े बदलेगा लगातार देश में। देखिए रेलवे दुर्घटना होते जा रहा है, लगातार रेलवे दुर्घटना होते जा रहा है। अब हम जैसे युवा मान लीजिए फॉर्म भरे कहीं का, जानते हैं कि पेपर लीक हो जाएगा, फिर भी अगर उत्तर प्रदेश में हमारा सेंटर दे दिया, मान लीजिए बनारस सेंटर दिया है, तो हम ट्रेन में बैठने से डरेंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि मोदी जी जैसे ही 3 पॉइंटों का सरकार बनाए, तीसरी बार शपथ लिए है, 3-3 बड़ा बड़ा रेल हादसा हो गया, तो देश का युवा डरेगा कि नहीं डरेगा? उसके बाद भी कुछ नहीं, हमारे रेल मंत्री जी रील मंत्री बन गए हैं और जाकर के रील बनाते हैं जहां पे दुर्घटना होता है, ऐसे काम चलेगा? शिक्षा मंत्री को देखिए, पेपर लीक हो रहा है, कहते हैं नहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि देश को शिक्षा मंत्री की नहीं परीक्षा मंत्री की जरूरत है, ताकि देश में परीक्षा ठीक से हो सके। यही सारे मुद्दे रहे हैं और इन मुद्दों को लेकर के जनता ने वोट किया और खास करके युवाओं ने वोट किया। और युवा एक ही सुर में एक ही बात बोल रहा था कि यूथ कहे आज का जल्दी भगाओ भाजपा, तो भाजपा को भगाने का काम किया जा रहा है। बिहार में अब एक ही बात दम रहेगा, या तो कांग्रेस आए पूरा फुल बहुमत में, या फिर नीतीश कुमार आए, या कोई पार्टी आए, या BJP आए, कोई पार्टी आए, लेकिन फुल बहुमत में उसको लाना है। इसी कारण 60% वाला हंसता नहीं हो,
60% वाला ही आस्था हो रहा है ना, 30% कमीशन वो ले रहा, 30% वो, 40% में पुल बन रहा है, गिर जा रहा है। आज हम नीतीश कुमार से सवाल करने जा रहा तो दांत के दर्द से भाग जा रहे हैं पारस। अच्छा क्या कहिएगा, फिर से उपचुनाव हुआ, उसके बाद आप नतीजे देखे होंगे, मोदी का मोय मोय हो गया, मोदी का मोय मोय हो गया, इसका महागठबंधन का बल्ले बल्ले, हाँ बल्ले बल्ले हो गया, मोदी मोय में अब जान रहा, जनता जागरूक हो गया, महंगाई इतना चरम सीमा पे बढ़ रहा, सीतारमन से पूछता है कि प्याज का इतना रेट काहे बढ़ गया, तो बोलती है कि प्याज हम नहीं खाते, तेरे आप नहीं खाते तो जनता नहीं खाए, जनता छोड़ दे आपको बैठाएला कहे लग गया, जो सवाल, अरे प्याज हम नहीं खाते हमको नहीं मालूम, अरे आपको बैठाएला का इस्तीफा दे दीजिए, नहीं मालूम इस्तीफा दे दीजिए। चाचा क्या कहिएगा, देश से भाजपा सफा होती जा रही है। सफा होने की बात नहीं है, देखिए कोई भी मुद्दा पर बात होना चाहिए, जैसे कहने के मतलब है कि ये खाली संविधान बचाओ, ये बचाओ, इसको करो, ऐसे ये सबसे नहीं ना होगा, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, रोजगार है, तो भाजपा सरकार इस मुद्दे पे बात नहीं करती है, कभी नहीं बात करती है, अभी तक कभी नहीं बात करती है। अरे रोजगार है, नौजवान का नौकरी है या फैक्ट्री है, ये सब पर बात होना चाहिए। क्या कहिएगा, भाजपा कह रही तक्की बार भाजपा की सरकार, लेकिन भाजपा तो धीरे धीरे हर जगह तो सफा हो रही है। देखिए भाजपा अपने से सफाया हो रहा है, पर जनता नहीं कर रहा है, अपने आप सफाया हो रहा है धीरे, इसलिए करा संविधान हटा देंगे, फलना करेंगे, चिलना करेंगे, बड़ फॉरवर्ड ब्लॉक में सब बड़के हैं, जिम्मेदारे हैं, वो भी तो भूमिहीन है, उसको तो फिर रक्षण मिलता है, जिस तरह के हरजन को मिलता है रक्षण, सब बड़कों का रक्षण मिलता है, ये नहीं कि बड़का को रक्षण नहीं मिलता, सबके तो 10,000 खेतियों पड़ता है, राजपूत को, ब्राह्मण को, ब्राह्मण को, लाला को, जनता के खिलौना समझ गए समझे, इसलिए हर जाति में गरीब है। देखिए ये लोकतंत्र है समझे ना, और लोकतंत्र में जनता मालिक होता है समझे ना, तो जनता का जो निर्णय है वो स्वीकार करना पड़ेगा समझे ना। जिस प्रकार अभी जस्ट एक महीना पहले मतलब चुनाव हुआ था लोकसभा का, जिसमें जैसे कि इलेक्शन हुआ और एनडीए गठबंधन के जो है सो सरकार बनी, तो जनता का कहीं ना कहीं मतलब कि वो चुनाव तो आया ना जी, अभी जो आदमी इधर बोल रहा है कि ए मोदी जी ये किए, मोदी जी वो किए, तो आपको तो हटाने का मौका मिला, पर हटाए कहा, लेकिन ये स्वीकार पड़ेगा कि अभी प्रेजेंट में हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। क्या आगे भी रहेंगे वो? अब इस साल तो मतलब कि उनका लास्ट है, एज भी मतलब कि उड़ गया, आप खुद जान रहे हैं। अच्छा तो, की बार मोदी सरकार का जो नारा आप सुनते ही होंगे कि लगातार जो लगाया जाता है, लेकिन धीरे धीरे है जो है मोदी जी का सफाया किया जा रहा हर जगह से, वो मतलब उनकी कम सीटें आ रही, क्या कहिएगा, क्या रीजन है? अरे देखिए कहने का मतलब है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सीटें आना, कम आना, ज्यादा आना, ये लगा रहता है, लेकिन जनता क्यों उनको नकार रही है? जनता मोदी जी को नहीं नकार रही है, उस लोकसभा का क्षेत्र से जो काम नहीं किए होंगे सांसद महोदय, जनता के बीच जा के अपना काम को बताए नहीं होंगे, इस कारण जनता को मतलब कि जो मन अपना इच्छा जाहिर किया, मोदी जी को थोड़ी है जनता नकार है, मोदी जी तो आज भी देश के प्रधानमंत्री है। 13 सीट पर चुनाव था पूरे देश में, 10 सीट इंडिया गठबंधन जीती है, भाजपा का खात्मा हो रहा है, अब धीरे धीरे भाजपा खत्म की ओर जा रही है, पहले ही कहा गया था कि भगवान भी चाह रहे हैं कि उनके नाम पर गंदी राजनीति नहीं हो, अयोध्या हार गए, और आज बद्रीनाथ में चुनाव था, भोलेनाथ का जगह था, राहुल गांधी सदन में महादेव की फोटो दिखाए थे, ये लोग को मिर्ची लग गया था, महादेव अपनी जगह भाजपा को नस्तानाबूद कर दिए, खत्म कर दिए, तो 10 सीट इंडिया गठबंधन जीता है और एनडीए मात्र दो, अरे आपको अर्थी देने लायक भी लोग नहीं मिल पा रहा है, भाजपा को अर्थी देने के लिए भी 4 लोग की जरूरत होती है, 4 भी नहीं जीत पाया, 2 जीता है, उसको अर्थी के लिए भी दूसरों से सहयोग लेना पड़ेगा, भाजपा अब खत्म हो रहा है, कहानी खत्म है, कितना दिन तक मूर्ख बनाइएगा भैया, एक सीमा होता है, सीमा को आपने पार कर दिया, महंगाई, कमाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में बात होगा, अरे भाई पूजा पाठ के लिए अगरबत्ती मोमबत्ती जरूरी है, अगर मोमबत्ती मोमबत्ती कहाँ से आएगा, पैसा रहेगा तब, पैसा कहाँ से आएगा, कमाई धमाई रहेगा तब, तो हम कमाई की बात कर रहे हैं, आप मोमबत्ती की बात कर रहे हैं, अरे भाई मोमबत्ती जरूरी है लेकिन कमाई सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए देश जनता कह दिए भैया धर्म के नाम पर अब कोई राजनीति नहीं होगा, विकास के नाम पर राजनीति होगा, और विकास के राजनीति का फॉर्मूला है कि 10 सीट इंडिया गठबंधन जीत गया, भाजपा का जमानत जब्त हो गया, ये बात जीत गए
लेकिन सर्टिफिकेट देने में भी उनको देरी हो रहा है। तो सत्ता का तो निरंकुश स्थिति तो दिखाएगा ना, सत्ता का पावर तो दिखाएगा ना भैया। अरे कितना दिन डरा मगे, जनता का आक्रोश से बड़ा कोई आक्रोश नहीं होता है। अरे जो लोग ऑन कैमरा 8 वोट को निरस्त कर मेयर जितवा सकते हैं, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो जनता भी अपना गदा लेकर तैयार है, मार गदा के होश ठिकाना लगा देगा। डरा डरामा करिएगा तो। इंडिया गठबंधन का तो बल्ले बल्ले हो गया, आप कितना खुश हैं? जनता इंडिया गठबंधन के साथ है तो किसका बल्ले बल्ले होगा? इंडिया गठबंधन जनता के साथ है, जनता इंडिया गठबंधन के साथ है तो बल्ले बल्ले उसका है। हम इंडिया में इसलिए इंडिया के साथ है। अब जो पाकिस्तानी अफगानिस्तानी है वो रहे एनडीए के साथ, हम अफगानिस्तानी पाकिस्तानी नहीं है। गिरजवा है, गिरजवा रहता है उसके साथ, हम नहीं है। अच्छा ये बताइए, एक बार फिर से एनडीए से इंडिया गठबंधन जीत गई है, बहुत खुशी की बात है हम लोग के लिए। खुश है आप? हाँ। आप लोग क्या चाहते थे कि कौन जीते? इंडिया गठबंधन जीते। क्यों, भाजपा क्यों नहीं? मोदी तानाशाह हो गया है। मोदी जी बोलते हैं जनता हमें पसंद करती है, हम जनता को प्यार देते हैं। करती थी लेकिन वो तानाशाही करने लगे तो कौन किसको पसंद करेगा? जैसे किसी चीज का टाइम रहता है ना, जैसे उनको सब चीज मौका दिया गया, वो कुछ किए नहीं बिहार के लिए, वो कुछ किए नहीं तो हम लोग उनको काहे पसंद करेंगे। अच्छा, और अगली बार मोदी सरकार, इस नारा का क्या हुआ? मोदी सरकार तो साफ जा रही है, सब फ्लॉप हो गया। अभी इंडिया गठबंधन जिंदाबाद है, यही कुछ करेगा आगे। अच्छा, यही कुछ करेगा, क्या लग रहा, कुछ करेगी इंडिया गठबंधन? बहुत करेगी। इंडिया कुछ नहीं की? कौन नहीं की? एनडीए कुछ नहीं की? एनडीए नहीं की, एनडीए का अचीवमेंट नहीं रहा है। इन्फ्लेशन पीक पॉइंट पर है, अनएम्प्लॉयमेंट 45 साल का रिकॉर्ड पर है, उसमें कहाँ है। और अनएम्प्लॉयमेंट भी उसी तरह देखे, आज क्या है, 100 में से 40 स्टूडेंट्स जो है होपलेस हो गया है, वो हार गया है कि जॉब नहीं मिलेगा, अटेम्प्ट करना छोड़ दिया है। अनएम्प्लॉयमेंट के ये सीन है, कैसे की आप माने गवर्नमेंट के पॉलिसी से कन्विंस करिए मैंने जनता को, तब तो मैंने पता होगा कि मैंने अच्छा किया। अनएम्प्लॉयमेंट में फेल है, इन्फ्लेशन में फेल है, गवर्नमेंट का जो भी मैनिफेस्टो है जो करती है वो कांग्रेस का जो बहुत वो माने बेनिफिटेड था, लेकिन क्या है कुछ और अच्छा हद तक पब्लिक ने बहुत माने चाहा कि माने इंडिया गठबंधन माने आए, लेकिन इसमें थोड़ा सा कहीं सा किसी स्टेट से माने चूक रह गई। 7 राज्य में 13 सीटों पर उपचुनाव था, 13 में से 11 इंडिया गठबंधन के पक्ष में गया, 10 गया। अब इससे साफ पता चलता है एक निर्दलीय जीता, दो एनडीए गठबंधन जीत गया। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के प्रति लोगों का विश्वास जगा है। राहुल गांधी कल तक विपक्ष बोल नहीं पा रहा था, आज विपक्ष के सामने सरकार मजबूर है बोलने के लिए, विपक्ष का जवाब नहीं जुटा पा रहा है सरकार, आज उसी का नतीजा है राहुल गांधी का। जो उपचुनाव में जो नतीजा आया है वह इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के इस चेहरे पर ये मजबूती जो मिला है इंडिया गठबंधन को, इसके लिए राहुल गांधी को श्रेय जाता है और तमाम कार्यकर्ता को जाता है जो पूरी तरह से मेहनत कर रहे थे। और कहीं ना कहीं जुमलेबाज पार्टी से लोग सावधान होना चाहते हैं, जो जुमला करते हैं, जो विश्वास ही नहीं रखते हैं संविधान पर, आज संविधान विरोधी बोलते हैं कि हम ही करेंगे मनाएंगे। अरे जो संविधान खत्म करने का बात करता हो, आरक्षण खत्म करने का बात करता हो, वो क्या देश के भला के बारे में सोचेगा? आज जियो इस तरह से 25% बढ़ा दिया, उस पर टेलीकॉम जो कंपनियां को बुलाकर सरकार, दूर संचार विभाग, भारत सरकार बोल नहीं पा रहा है, रसालत में ढकेलने का काम किया BSNL को, ये सब कौन जिम्मेवार है? 2014 के बाद BSNL को गड़क में कोई ले जाने वाला है तो भारत सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में था। क्या कहिएगा, क्या लग रहा है बीजेपी का आंकड़ा साफ होने वाला है क्या इस बार? बीजेपी कहीं ना कहीं उन सीटों को हारी है, जैसे उत्तराखंड की सीटें हैं 2 सीट हारी, तीसरी सीट भी वो हार चुकी थी 422 वोटों से, लेकिन रीपोलिंग की रिकाउंटिंग करके उनको शायद 2 वोटों से हरा दिया गया, अभी रिजल्ट हमारे पास नहीं आया है तीसरी सीट भी। बाकी हिमाचल में भी परफॉर्मेंस इंडिया गठबंधन का बहुत ही अच्छा रहा है, और भी मध्य प्रदेश में सब जगह परफॉर्मेंस इंडिया गठबंधन का अच्छा रहा है। इसका ये मतलब कहीं ना कहीं मोदी जी को फिर सत्ता में आने के बाद भी उनसे कुछ लोगों की दूरियां बढ़ी है और वोटर उनसे दूर जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसको इंडिया गठबंधन के लोगों को, जो दूसरे लोग हैं, जो सेकुलर माइंडेड लोग हैं, उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं शंकर सिंह के कैंडिडेट जो निर्दलीय हमारे रुपौली चुनाव जीते हैं, उनको
बनाने की मांग 2 महीना पहले से की जाती थी। लोग लालू प्रसाद जी के पास भी आए, नीतीश कुमार गठबंधन में भी उनके लिए टिकट मांगा गया, कहीं नहीं जनता की वो डिमांड थे। और उन्होंने जो किया है, राष्ट्रीय जनता दल तो इसके लिए खुश है सिर्फ कि उनको पिछले लोकसभा में 11,000 वोट मिला था, इस बार 33,000 मिला, 3 गुना बढ़ गया उनका। क्या लग रहा है कि अब जो है जनता जो है समझ गई है कि बीजेपी को वोट देना अंधभक्ति कहला रहा है? बीजेपी को वोट देना कहीं ना कहीं अदानी और अंबानी की उन पूंजीवादी नीतियों को, जो मल्टीनेशनल कंपनियां इस देश में चला रही हैं, उनकी नीतियों को जो 10 साल से बढ़ावा दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, कहीं ना कहीं उसका आक्रोश है। देश पर जो विदेशी कर्जा बढ़ रहा है, बैंकों में जो उद्योगपतियों का कर्जा है लाखों करोड़ों का माफ किया जा रहा है, उसका कहीं ना कहीं उसका रिएक्शन है। उपचुनाव हुआ, इसमें आप देखें बीजेपी फिर से हार, लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी बहुत सारे सीट जो है हार गई, उपचुनाव में भी बहुत सारे सीट हार रही है, तो क्या जनता कहीं ना कहीं बीजेपी से नाखुश है? नाखुश तो नहीं है, अब नाखुश तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन कहा जाएगा ये कि कुछ चमचों कुछ दलालों के वजह से बीजेपी का नाम खराब किया जा रहा है। आज दलाल जैसे मोदी जी वहाँ ऊपर बैठे हुए हैं, उसके नीचे जो भी हैं, जो अपने ढंग से अच्छे ढंग से काम नहीं करते हैं, वैसे ही लोग ना बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं। अब बीजेपी के लिए मोदी ने तो काम नहीं कर रहे हैं, तो उनका कंट्रोल किनके हाथ में? हाँ, कंट्रोल आपका कहना भी ठीक है, कंट्रोल तो हमारे पीएम प्राइम मिनिस्टर के ही हाथ में है, लेकिन ये बहुत दुखद बात है, इस पर हम भी दुख प्रकट करते हैं कि इस तरह का अगर रवैया रहा तो बीजेपी का नाम खत्म भी हो सकता है। क्या लग रहा है कि अगले 5 साल से पहले ही जो है बीजेपी साफ हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है, बीजेपी इतना जल्दी भी साफ नहीं हो जाएगी। एनडीए के साथ इंडिया गठबंधन का अपना सामना हुआ, इंडिया गठबंधन जीत गए, क्या कहिए? बढ़िया बात है कि जीत गई है और प्रोग्रेस भी आगे करेगी। हर देखो हर सिक्के का 2 पहलू होता है, एक बढ़िया होता है, खराब होता है। तो सरकार ने अच्छी काम भी किए हैं, कुछ गलत नीति भी किए हैं, पर अच्छा नीति को भी देखा जाए। आज क्या कहते हैं, रेलवे देख लीजिए, हाईवे देख लीजिए, हम लोग का हाईवे आज इतना नंबर 1 हो गया, क्या कहते हैं, भारत का। और उसके बाद भी बहुत काम किया, क्या कहते हैं, भाजपा ने, ऐसा बात नहीं है क्या कहते हैं कि नहीं किया है। क्या कहिएगा, इंडिया गठबंधन ने भारी भरकम जीत हासिल किया। अभी मोदी बीजेपी सरकार आएगा तो सब कुमारा के ब्याह नहीं होगा, ब्याह पर बैन लगा देगा। क्या इधर है, क्या शादी नहीं होगा? क्यों नहीं शादी होगा? बैन लगा देगा, सब तरह पहने लगा रहे, तभी ब्याह पर बैन लगा। लोगों ने बताया कि किस तरीके से जो अब लोग हैं मोदी जी से उग चुके हैं, अब उनको जो है इंडिया गठबंधन की सरकार चाहिए। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इस पे आपका क्या विचार है। तमाम खबरों के लिए बने रहे उल्टा चश्मा यूसी के साथ, मैं फरहत अफ्साह पटना।